तो सर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। एक बार थोड़ा सा अपने दर्शकों को अपना परिचय दीजिए और अपना फार्म कहाँ पर है ये थोड़ा सा बताइए। हरी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके व्यूअर्स का भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम निमिचंद है और हमारा फार्म लोसल के पास सीकर में छोटा सा गाँव पड़ता है बिजारणी की ढाणी चिड़ासरा के पास में। अच्छा, वहाँ पर तो जैसे आपने आज जो ब्रीडर पकड़ा हुआ है सर, इसकी कुछ खास बात बताइए और किस बात को ध्यान में रखते हुए आपने इस ब्रीडर का चयन किया था, ताकि जो हमारे दर्शक हैं वो भी अपने यहाँ पर अगर ब्रीडर खरीद रहे हैं जैसे तो वो भी इस बात का ध्यान रखें या इस बात का ध्यान रखते हुए वो अपने यहाँ पर ऐसे बकरे का चयन करें, थोड़ा सा बताइए। हरी जी, ब्रीडर को चयन करने से पहले ब्रीडर का खुद का बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें उसका आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है जैसे उसका कलर पैटर्न है और उसके बाद में उसके कानों की लंबाई है, उसका जो चेहरे की खूबसूरती है और ये अजमेरा ब्लड लाइन को कैरी करता है। उसमें ये इसकी माँ, ब्रीडर को देखने के लिए सबसे पहले उसकी माँ का दूध देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप देख सकते हो तो ब्रीडर की जो फादर है उसकी माँ का भी आप अगर दूध देख के चलते हो तो उससे आपको आने वाली जनरेशन में बच्चे खूबसूरत आएंगे, बल्कि अच्छी बॉडी स्ट्रक्चर के भी आएंगे, साथ में उनमें दूध की कैपेसिटी भी अच्छी आएगी। बिल्कुल। और इसकी डिटेल ये है कि ये जो सुकान चावला जी के पास में जो ब्रीडर है सुल्तान, उसका फादर साइड से बेटा है और उसकी माँ है वो काफ़ी अच्छी ब्लड लाइन की अजमेरा में है, जो ये माँ पे थोड़ा सा परसेंटेज में ज़्यादा है। तो अभी क्या हाइट होगी सर इसकी? हाइट इसकी हरीश जी 42 है और इसका वजन भी एक क्विंटल से प्लस ही हो गया था। अभी तो अभी भी प्लस ही है, बाकी पहले तो ज़्यादा था, अभी सीजन के हिसाब से थोड़ा सा कम हुआ है और काफ़ी शांत स्वभाव का, काफ़ी अच्छा बच्चा। दो चीज़ें ध्यान देने वाली होती हैं, लोग बोलते हैं कि यार ब्रीडर का थोड़ा सा एग्रेसिव होना ज़रूरी है, आपने कहा शांत स्वभाव का है, तो नेचर वाइज कैसा होना चाहिए ये भी थोड़ा सा बताइए सर। क्या जी? बिल्कुल, ब्रीडर अग्रेशन उस वक्त होना चाहिए जब आपको ज़रूरत होती है उसके हिसाब से। और जब तक बकरी हीट में नहीं आती ये अग्रेशन में आता नहीं है, और जब बकरी हीट में आती है तब ये जितना अग्रेशन ब्रीडर में होना चाहिए उस उतना इसमें है अग्रेशन, बाकी बेवजह ये अग्रेशन में नहीं रहता, ये बिल्कुल अपना शांत स्वभाव से रहता है। और ब्रीडर का दिन भर अग्रेशन में रहना शायद उसके लिए ठीक नहीं है मेरे हिसाब से तो, और ये तो हम तो खुला ही रखते हैं बकरियों में, और जब बकरी हीट में आती है जब ये अग्रेशन में करता है उस टाइम पे एक दो दिन बांध देते हैं इसको, जब बकरी भी छोड़ देते हैं उसके बाद। इसे सामने से देखिए, ये देखिए इसके कान जो हैं वो मुझे दूसरे ब्रीडर की तुलना पर वो सबसे अच्छे लग रहे हैं, खुले हुए हैं टोटल और मुड़े हुए हैं ये देखिए, और जो सामने का पोर्शन है सीना है वो चौड़ा होना चाहिए ये देखिए, और डबल हड्डी है ये बिल्कुल बदमाशी नहीं करता, ये बाकी ब्रीडरों की तरह हरकत करता है। इसमें आप देख रहे हो अभी ये चार दांत बच्चा है और लगभग ये 17 से 18 महीने का बच्चा हुआ है, आप देख सकते हो बिल्कुल फ्रेश चार दांत हुआ है। बिल्कुल। और आप इसमें कहीं भी स्मेल कहीं भी कुछ भी आप देख रहे हो कहीं भी कुछ भी नहीं ऐसा, बिल्कुल नॉर्मल एक। और इसकी जो शाइनिंग वगैरह इसमें कहीं कोट में कहीं फ़र्क नहीं है। बहुत बढ़िया। और फालतू की जो हरकत करता है वो ब्रीडर वो नहीं करता, आप घर में इसको रखो बड़ी शांति से, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहीं ब्रीडर को पाल रखा। कितनी बार ब्रीडिंग ली सर आपने? इससे अभी फर्स्ट टाइम एक बच्ची आई हमारे पास में, बाहर दो बच्चे आए हुए हैं और अभी अपनी बकरियाँ इससे क्रॉस है तो फर्स्ट टाइम ही, आप समझिए फर्स्ट टाइम ही। बिल्कुल। और एक जो ब्रीडर है उसे मतलब अपने बाड़े पर लगभग कितने सालों तक यूज़ करना चाहिए, क्या साइंस क्या कहता है थोड़ा सा ये बताइए मुझे। देखिए, आप जब तक उसकी खुद की जनरेशन पे यूज़ नहीं करते तब तक आप अपनी बकरियों पे यूज़ कीजिए, जो बड़ी बकरियां आपके पास 8-10 है, तो अब जब इसकी खुद की बेटियां आ जाएगी उस पर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। मतलब अगर आप जैसे जो बड़ी बकरियां हैं हमारे पास, जैसे 7-8 बड़ी बकरियां हैं, एक दो बकरी जो छोटी है हमारे पास जो इस ब्रीडर की नहीं है, तो ये मिला के हमारे पास 9 है 10 है, तो उसमें जो एक बच्ची इसकी आई है उसको छोड़ के उन 10 बकरियों पे हम कितनी बार इससे ब्रीडिंग ले सकते हैं, वो सही चलता है, वो सही है। फिर इन ब्रीडिंग का अगर इन ब्रीडिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया।
तो अगर प्राइस की बात करूं सर, क्या कीमत बैठी थी आपकी इसकी? इस ब्रीडर को मैंने लिया था तब ये तकरीबन 11-11.5 महीने का था और मैंने इसको 1,11,000 रुपये का लिया था। बहुत अच्छा, 1,11,000 रुपये का। जी बिल्कुल। तो इसकी कीमत को भरपाई करने के लिए अपन को कम से कम कितने बच्चे चाहिए होंगे, तो ताकि ऐसे ब्रीडर जो हैं, देखिए सभी के बस के तो नहीं होते हैं, ऐसे होते भी नहीं हैं, तो जो हम आम पब्लिक की बात कर रहे हैं सर, कि जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे फार्मिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो कैसे बच्चे मिले और कितना उसका ध्यान रखें, तो ये इस ब्रीडर की जो कीमत है वो अदा कर सकता है, ये थोड़ा सा बताइए। देखिए, इससे अगर आपकी 10 से 15 बकरी अगर एक बार ब्रीडिंग देती है तो कोई बकरी आपको एक बच्चा देगी, कोई दो बच्चे देगी, तो आप 10 बकरियों से इसके 15 बच्चे लगा लो आप, और उन सारे बच्चों में 5,000 रुपये कहीं नहीं गए आपके, जो जितनी कीमत आपको मिलनी चाहिए ऐसे ब्रीडर से 5,000 रुपये आपको प्लस होके मिलेंगे। तो अगर आपके 15 बच्चों में 5,000 का प्रॉफिट आता है तो 75,000 रुपये हो गए, और फिर वो 20-25,000 रुपये है तो आपको एक दो बकरी पे और ब्रीडिंग होने से मिल जाएगा। तो 10 से 12 बकरी हो तो एक ब्रीडिंग में आपको इतनी कीमत इसकी वापस वसूल हो जाती है, एक ही ब्रीडिंग में, लगभग एक ही ब्रीडिंग में। उसमें एक दो बच्चे आपको ऐसे आएंगे जो 30 से ऊपर के भी बिकेंगे। बिल्कुल। और डाइट में क्या स्पेशल देते हैं, बकरियों से हट के क्या खिलाते हैं? देखिए, इससे ब्रीडर को जाहिर सी बात है कि आपको अलग से खिलाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको इस इतने बड़े ब्रीडर को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो विशेषकर मैं तो अनाज तो खिलाता ही खिलाता हूँ, इस पर दूध इसको मैं ज़रूर पिलाता हूँ दोनों टाइम, 1-1 किलो। अच्छा, अभी भी पिलाते हैं? बिल्कुल, अभी भी इसको पिलाने के लिए आप अपने इसमें डाल के बर्तन में उसके सामने करोगे तो ये पी लेता है। अच्छा। और उसके लिए हम कहीं ख़रीदने की रोज़ जरूरत नहीं है, बकरियों का ही होता है, जो जिस बकरी का बच्चा बिक गया है तो उसका जो इतना दूध निकलता है वो निकाल के पिला देते हैं। अपन गाय और भैंस का भी दूध यूज़ कर सकते हैं? गाय का यूज़ कर सकते हो, बाकी बकरी का अगर यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, हाँ, बकरियों का अगर मिल रहा है आपके यहाँ, बाकी आप पिला सकते हो भैंस का भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बकरी का ज़्यादा अच्छा रहेगा इसके लिए, क्योंकि शुरू से ही बकरी का ही पिता आ रहा है। बहुत बढ़िया। अगर आप सर्दियों में इसको थोड़ा बहुत तेल भी दे सकते हो, मैं तो तेल दिया नहीं क्योंकि अपना थोड़ा घी इसको यूज़ करते हैं 20 ग्राम, तो वो पहले सर्दियों में घी दिया था इसको। घी के ऊपर एक सवाल आ रहा है सर, मुझे मेरे दर्शक ने ही ये सवाल पूछा था, जो अक्सर बकरा पालते हैं जी, वो घी खिलाते हैं लास्ट टाइम पर, लास्ट के 2-3 महीने में वो घी एक्स्ट्रा मात्रा में खिलाते हैं, तो क्या सही तरीका होता है घी खिलाने का, ये थोड़ा सा बताइए, ताकि उनके यहाँ पर तो काफ़ी कैजुअलिटी हुई थी क्योंकि वो इतना घी को डाइजेस्ट नहीं कर पाए थे बकरे, जिसकी वजह से। हरीश जी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहले तो उसको घी खिलाते नहीं और फिर 15 दिन में उसको एकदम से घी खिला देते हैं, तो उतना तो नहीं है, लेकिन अगर आप कंटिन्यू 15-20 ग्राम अगर बकरे को घी खिलाते हो तो सफिशियंट होता है। खिलाने का तरीका क्या रखते हैं आप? मैं तो इसको कि घी दूध में या तो मिक्स कर देता हूँ, लेकिन अभी इसको हम लोणा घी खिलाते हैं, उसके लिए हम थोड़ी सी खल ले लेते हैं और उसमें मेथी और बाजरे का आटा मिक्स करके और उसको 1 किलो आटा बना के, मतलब पूरा टोटल वेट 1 किलो के आसपास होता है, वो इसको खिला देते हैं, उसमें खा लेता है मिक्स। अच्छा, वो मिक्स करके खिलाते हैं? सुबह खिला देते हैं या शाम को भी आप खिला सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो दर्शकों, आशा करता हूँ ये ब्रीडर आपको पसंद ज़रूर आया होगा, सर के द्वारा साझा की गई जानकारी आपको पसंद ज़रूर आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।